Pakistan! Imran Khan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Imran Khan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Imran Khan! Zindabad! Pakistan! 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 Zindabad! IS IS Zindabad! 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 Pakistan! Zindabad! 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 IS IS Zindabad! मैं हूं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए फिदायीन हमले में 42 जवान शहीद हो गए हैं। इस फिदायीन हमले के बाद देश भर से एक ही आवाज़ उठ रही है, बस अब और नहीं, अब पाक आतंकियों को सबक सिखाया जाए, क्योंकि अब देश शहीदों के परिजनों के भीगी आँखों और मायूस चेहरे सरकार से उन जवानों का खून का बदला मांग रहे हैं। इसी तरह जुमा के नमाज के बाद मुंब्रा के दारुल फलाह मस्जिद के पास देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर पर चप्पल से मारा गया और फिर उनकी तस्वीर को आग लगा दी गई। कल भारत के जो वीर जवान पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में शहीद हुए, उन सभी 44 भारत के सुपुत्रों को हम दुख भरी दर्द भरी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करते हैं। आज राष्ट्रवादी के हम सभी कार्यकर्ता मुमरा में मौजूद हो गए, दारुफुला मस्जिद के सामने उन शहीद जवानों को भावपूर्ण आदरांजलि देते हैं। और हम पाकिस्तान को यह इशारा देना चाहते हैं कि अपने आतंकी हमले बंद करो, और हम भाजपा के केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि इसका बदला पाकिस्तान से लेना चाहिए। जो 44 जाने शहीद हुए हैं उसका बदला लेना चाहिए। कश्मीर में जो हमारे नौजवान हमारे सिपाही जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो हम उनको सलाम करते हैं, उनके हौसलों को सलाम करते हैं, उनके विचारधारा को सलाम करते हैं। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आज मुंब्रा कोसा में हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के आदेश अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पे दारुफलाह मस्जिद के सामने हम लोगों ने यहाँ पे निषेध किया। कश्मीर में हमारे 44 से 45 जवानों को शहीद किया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के और पाकिस्तान के निषेध के लिए मुंब्रा कोसा के सभी लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने माननीय जितेंद्र अवार्ड के कहने पे सभी जगहों पे निषेध किया और उनका जो चेहरा था पुतला वो जलाया गया। इसी तरह ठाणे के राबोड़ी में भी जुमे के नमाज के बाद पाकिस्तान के खिलाफ निषेध किया गया। यहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने जम के नारे लगाए और पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहा। हम सुनाते हैं आपको कि क्या कहा है उन्होंने। जम्मू कश्मीर के जिला पलावा में जो हमला हुआ है, हमारे हिंदुस्तान के उन भाइयों के साथ जो हमारे देश की हिफाजत के लिए वहाँ पे रात दिन रह रहे थे, तो इसकी हम लोग सख्त मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं, इसके हम बिल्कुल मुखालिफ हैं। वह हमारे देश के मुहाफिज थे, हिफाजत करने वाले थे, उनके साथ जो हमला हुआ है, हम उनके अहले खाना के साथ हम उनके दुख दर्द में शामिल हैं। और हम गवर्नमेंट से अपनी हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि जो ये कातिल है, जो हमलावर है, उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई हो और इसका बदला उनसे लिया जाए। में कल जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है और हमारे सीआरएफ के जो 40 नौजवान बेगुनाह नौजवान शहीद हुए हैं, उसके निषेध के लिए, उसकी मजम्मत की, उसकी निंदा करने के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। और हम तमाम ही यहाँ के रहने वाले मुसलमान, हमारे तमाम हिंदू भाई, तमाम ही देशवासी जो है, आज हम उन सीआरएफ के नौजवानों के साथ हैं, अपने फौजी भाइयों के साथ में हैं। हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से जिन इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ये हादसा हुआ है, चाहे वो आईबी का हो, चाहे कश्मीर पुलिस का हो, चाहे मिलिट्री का हो, और जिस तरीके से दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसकी वो इंक्वायरी करे और ऐसे अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जिस तरह से आतंकी हमलों में हमारे जवान शहीद हुए हैं, इस तरह हर हिंदुस्तानी सरकार से इस हमले का बदला चाहता है, क्योंकि अब हर हिंदुस्तानी आतंकियों का खात्मा चाहता है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के गोद में पल रहे जैसे मोहम्मद ने ली है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।